चलिए दूसरी गेंद पे आउट, प्लेड ऑन, बाहर की गेंद, दबाव बनाया सिराज ने और यहां चौके के बाद सफलता मिली है मुकेश को, जो शुरुआत चाहती थी भारत। देखिए एटीट्यूड की बात करें लेकिन उसके साथ आपको उसको तब्दील करना है परफॉर्मेंस में, जो अब तक देखने को नहीं मिला। पिछले मैच में रन आउट, यहां पे चार रन के बाद इनसाइड एज के साथ अपनी विकेट गंवाते हुए मुकेश कुमार, नई गेंद मिली और उसका फायदा उठाया, पहला ब्रेक थ्रू भारत को दिलाया, चार पे गिरी पहली विकेट साउथ अफ्रीका की। ये भी एंगल के साथ बाहर, क्विक सिंगल, डायरेक्ट हिट, लेकिन पूरी तरीके से स्ट्रेच आउट किया रीज़ा हेंड्रिक्स ने। क्या घर पहुंच पाए हैं, क्या सुरक्षित है भारतीय फील्डर्स के बॉडी लैंग्वेज से लगता है जी नहीं। Okay, thank you. I'm satisfied. I have a decision for the big screen. एक विकेट आएगी, बड़े स्क्रीन पे आएगी और खुशियां दे के जाएगी सभी भारतीय दर्शकों को। शायद रियल टाइम में लगा जैसे स्ट्रेच आउट किया था रीज़ा हेंड्रिक्स ने, अपने आप को कंफर्टेबल मान रहे थे, लेकिन तकदीर को यही मंजूर था कि हेंड्रिक्स की विकेट आएगी सिराज से ही, उनकी गेंदबाजी पे नहीं तो उनकी डायरेक्ट हिट से। 8 पे वापस रीज़ा हेंड्रिक्स, 23 पे 2 दक्षिण अफ्रीका। क्या बात है, क्या बात है, लेकिन पीछे फील्डर है क्लासन साहब, आपने शफल किया, आपने बैक किया है शॉट को खेलना, लेकिन जीत हुई है अर्शदीप की। तीसरी विकेट भारत की, स्लो वन। ये जरूर आप कहेंगे कि शॉट अच्छा लगा था, लेकिन वो जो पावर जनरेट करना चाहते थे क्लासन इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि गति इस गेंद पे 110 की थी। रिंकू सिंह का अच्छा कैच और वहीं पे वो हल्का सा लक फैक्टर, बढ़िया गेंदबाजी अर्शदीप को, ये उनकी विकेट कॉन्फिडेंस जरूर दिलाएगी। 42 पे तीसरी बहुत बड़ी विकेट भारत की, पर फिलहाल तो मौका है यहां पे माक्रम को मैदान के बाहर भेजने का और उसको भुनाते हुए रविंद्र जडेजा। पहली गेंद उनके स्पेल की, पहली गेंद पावर प्ले की समाप्ति के बाद और बड़ा विकेट, एडन माक्रम को जाना पड़ेगा वापस। बापू कमाल छे, वो टर्न देखने को मिला, लेग स्टंप के बाहर गेंद गिरी, पुल करना चाहते थे लेकिन अगेंस्ट द स्पिन खेलेंगे तो विकेट जाएगी और फिर यहां पे कोई गलती नहीं की यशस्वी जायसवाल ने। रविंद्र जडेजा आते ही पहली गेंद पे विकेट चटकाई, साउथ अफ्रीका मुश्किल में, 42 पे गिरी चौथी विकेट। लेकिन कमबैक कुलदीप यादव की, कमबैक उनकी, कहते हैं ना कि आप कई बार रन खर्च करके विकेट निकालते हैं, बताओ रिस्ट स्पिनर इरफान भाई, जैसा आप बोल रहे थे कि छक्के बड़े लगाते हैं लेकिन स्पिन के विरुद्ध थोड़ा इन्हें परेशानी होती है और ये बेहतर लेंथ थी, हमने इस ओवर में देखा था पिछली 5 गेंदें थोड़ी जो छोटी थी लेकिन ये आगे डाली हुई गेंद, उसको भी पीछे खेलने का समय मिला नहीं, गेंद पैड पे टकराई और जाके सीधा लगी स्टंप पे, कोई क्लू नहीं था वहां पे फेरेरा के पास और कुलदीप ने यहां पे चलता किया फेरेरा को। लेकिन उस बार नहीं तो इस बार सही विकेट मिली है रविंद्र जडेजा को। आसान सा कॉटन बॉल, वापस जाना पड़ेगा फेलो क्वायो को और खाता नहीं खोला उन्होंने। और जिस तरीके से गेंदबाजी हो रही थी और घूम रही थी ये विकेट आता हुआ नजर आ ही रहा था क्योंकि उस तरीके का उन्हें आइडिया था नहीं कि स्पिनर के विरुद्ध कैसे बल्लेबाजी करनी है। और एक और यहाँ पे दूर फेंकी हुई गेंद घूम के अंदर की तरफ आई, कोई मौका नहीं था और एक आसान सा कैच रविंद्र जडेजा के हाथ में, इस बार DRS की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा हाथ में गया उनके एक आसान सा कॉटन बोर्ड, लगवायों को जाना होगा वापस बिना खाता खोले 82 पे 6। 2012-13 में ना जब 7 ओवर में 110 रन चाहिए होते तो आप छोड़ देते थे उम्मीद कि अब यहाँ से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इसी बीच यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। एक और आगे की लेंथ डाली हुई गेंद, बल्लेबाज ने गलती करी, पीछे खेलने गए और वहाँ पे खामियाजा भुगतना पड़ा, पूरी तरीके से चूके और गेंद जाके टकराई सीधे उन 3 डंडों में। सिर्फ एक बल्लेबाज फ्रंटफुट पे खेलना चाहता स्पिनर को, वो है मिलर, इसी वजह से सर्वाइव करे, बाकी बल्लेबाज स्ट्रगल करते हुए क्योंकि सब बैकफुट पे खेलने की कोशिश, आगे वाली लेंथ पे भी यहाँ पे भी एकदम ड्राइव खेल सकते थे,
यहाँ पे महाराज सोच रहे कि गेंद उछली नहीं, बिल्कुल उछली थी, आप गलत लेंथ पिक कर गए। कुलदीप, ओ करीबी मामला है क्या ये, लेग बिफोर की अपील है, नांद्रे बर्गर को जाना होगा वापस। ये और ये तो होना ही था, क्योंकि जब ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों को गेंद हाथ से पता नहीं चल रही थी, तो यहाँ पे आप एक नंबर 9 के बल्लेबाज से क्या उम्मीद रख सकते हैं। और जाना पड़ेगा यहाँ बर्गर को एक रन बना के 94 पे 8। कुलदीप यादव हैट्रिक पे, और एक बार फिर यहाँ पे रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास। ये पॉजिटिव सोच है, जब सीधे बल्ले से नहीं लग रही तो रिवर्स स्वीप ट्राई करो। क्या रिव्यू ले लिया यहाँ पे, मांग रहे थे रिव्यू, कुलदीप यादव कह रहे थे लेग बिफोर की अपील है, भले गेंद शरीर पे लगी थी। Brighton coming up. Okay, I'm gonna need ultra edge, please. Ultra edge coming up. Roll it through. There's a clear gap when the ball is going past the pad, all the way through to the pad. Okay, I'm satisfied. There's no bet involved. Can we move on to ball tracking when ready, please? Original decision is not out. Pitching in line, impact in line. Wicket hitting. Ballis, change your on-foot decision to out, stand by. You're on screen. You may signal now. विकेट मिल गया है। लिजार्ड विलियम्स को जाना पड़ेगा आउट लेग बिफोर 94 पर 9। अब 4 विकेट गिर चुके थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से ये 3 ओवर में इन्होंने मैच बिल्कुल ही भारत के शिकंजे में गिरफ्त कर दिया है। और लीजिए 5 पूरा कुलदीप यादव के नाम, और विकेट निकाला है डेविड मिलर का। तीसरी बार है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अंदर की कुलदीप यादव ने 5 विकेट निकाले हो या उससे ज्यादा T20s के अंदर, माफ कीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय T20s में ये दूसरी बार है। ओवरऑल T20s में 3 बार इनके नाम एक 5 विकेट हॉल है।